हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए प्लान लेके आया हूँ उसका साइज है 12 फीट बाई 50 फीट। ये 600 स्क्वायर फीट का वन साइड ओपन प्लॉट है। इस प्लॉट का जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ है और इसके बाहर की तरफ रोड है, 25 फीट चौड़ी रोड है। और इसके बाकी तीनों तरफ दूसरों लोग की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है। बाकी दो साइड यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट्स बने हुए हैं, पीछे की ज़मीन अभी खाली है लेकिन वो दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का प्लान डिज़ाइन किया है। इस प्लान को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आप इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के प्लान को। दोस्तों, ये हमारा फ्रंट रोड है और ये हमारी बालकनी पोर्शन है। बालकनी आप देख रहे हैं 2.5 फीट यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ पे बालकनी है, आगे यहाँ पे 3 फीट है। ये वाला पोर्शन 2.5 फीट है। ये एक अच्छा एलिवेशन के लिए इस तरह से बालकनी डिज़ाइन किया है। इसके ठीक नीचे से यहाँ पे हमारा जो मेन डोर है, 4 फीट चौड़ा दरवाज़ा है जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो जैसे हम अपने घर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक विंडो मिल जाता है, खिड़की, जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो मिल जाता है, जिससे जो रोशनी की जो प्रॉब्लम है वो हमारे इस रूम के लिए दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्लॉट को इस तरह डिज़ाइन किया है ताकि हमारे घर में रोशनी और फ्रेश एयर सर्कुलेट होता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। तो ये हम सीधे एंट्री करते हैं अपने सिटिंग एरिया में। इसको आप चाहें तो ऐसे गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो साइज़ मिल जाता है 11 फीट इसका लंबाई है इस डायरेक्शन में, इस वाली दीवार से लेकर यहाँ तक, और 10 फीट इसका चौड़ाई है। यहाँ पे सोफे प्लेस कर रखे हैं 6 फीट बाई 6 फीट के। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को और भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो अभी इसे आगे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक पैसेज मिल जाता है 3 फीट चौड़ा, यहाँ पे रास्ता है जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे यहाँ से, इस सिटिंग एरिया से, इस गेस्ट रूम से। तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम डिजाइन कर रखा है। जैसे हम एंटर करते हैं अपने पैसेज में तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है। 5 फीट 6 इंच इसका लंबाई है और 4 फीट 10 इंच इसका चौड़ाई है। 2.5 फीट का दरवाज़ा है यहाँ पे, 2.5 फीट बाई 7 फीट का, जिससे हम अपने टॉयलेट एंड बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम अपने गेस्ट रूम से भी जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टॉयलेट एंड बाथरूम को। ये कम्बाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम है। तो यहाँ पे इसके लिए वेंटिलेशन डिज़ाइन किया है, शाफ्ट यहाँ पे एक डिज़ाइन किया है। तो शाफ्ट का जो साइज़ मिल जाता है 2.5 फीट बाई 5 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक शाफ्ट मिल जाता है। और इस वाली दीवार पे भी एक 2.5 फीट बाई 4 फीट की विंडो लगा रखी है, जिससे इस वाले रूम में दो विंडो मिल जाती है हमको। एक तो ये फ्रंट में मिल जाती है 4 फीट बाई 4 फीट वाली, और दूसरी विंडो मिल जाती है 2.5 फीट बाई 4 फीट की। तो जिससे हमारे घर के अंदर, इस वाले रूम के अंदर प्रॉपर जो हवा है और वेंट और उजाला है, जो रोशनी है वो अच्छे से रहने वाला है। दोस्त, ये क्या है कि हमारा यहाँ साफ्ट है, साफ्ट यहाँ पे हमारी कोई छत नहीं आएगी। यहाँ पे हमारा जो लिंटर होगा ये, तो इस वाले एरिया में हमारा खुला रहेगा यहाँ पे। तो इससे जो हमारी रोशनी आएगी वो हमारे विंडो से होते हुए हमारे सिटिंग रूम में जाएगी। और यहाँ पे जो वेंटिलेशन है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो जो भी यहाँ पर बदबू होगा, स्मेल होगा जो भी इस टॉयलेट का, वो इस वेंटिलेशन से होते हुए साफ्ट से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अभी आगे आते हैं यहाँ से अपने दोस्तों, यहाँ से ये 3 फीट रास्ते से ही अभी एंटर करेंगे अपने डाइनिंग एंड किचन एरिया में। तो यहाँ पे हमको एक डाइनिंग एंड किचन एरिया मिल जाता है, 9 फीट 3 इंच इसका लंबाई है यहाँ पे किचन का, और 8 फीट इसका चौड़ाई है। ये ओपन किचन है यहाँ पे, कोई यहाँ पे दीवार नहीं लगा रहे हैं, तो ये ओपन किचन है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक डाइनिंग टेबल प्लेस कर रखा है जिसपे 3 से 4 लोग एक साथ बैठ के लंच या डिनर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस विंडो, एक विंडो डिज़ाइन किया है 2.5 फीट बाई 4 फीट का। तो जो भी इस किचन के अंदर जो धुआं होगा, जो भी स्मोक होगा, वो इस विंडो से होते हुए साफ्ट की मदद से बाहर की तरफ चला जाएगा। और जो रोशनी भी है हमारे घर के अंदर, जो रोशनी आएगी, सूर्य का जो उजाला आएगा, प्राकृतिक रोशनी, वो विंडो के हेल्प से ही हमारे किचन के अंदर आएगा। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ से ये हम अपने लिविंग रूम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो लिविंग रूम मिल जाता है, 11 फीट 2 इंच इसका लंबाई मिल जाता है और 10 फीट इसका चौड़ाई मिल जाता है। तो इसके नीचे हमको काफ़ी हाइट मिल जाएगा यहाँ पे हमको। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीढ़ी भी डिज़ाइन कर रखी है। हमारी सीढ़ी जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो 2 फीट 9 इंच इसका चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले यहाँ तक, और ये 2.5 फीट यहाँ से यहाँ तक, ये लास्ट के 2-3 स्टेप 2.5 फीट के हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमको यहाँ पे 4 फीट की हाइट मिल जाती है। यहाँ पे आएंगे 4.5 फीट की हाइट मिल जाएगी। तो इसके नीचे हमारा सोफ़ा मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। अब आप चाहें तो और भी चीज़ों को इसमें रख सकते हैं, आप अपना फ्रिज भी रख सकते हैं यहाँ पे, दो सोफे प्लेस कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा लिविंग रूम मिल जाता है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ से। जो इस ट्रेड, जो इसका जो ट्रेड है स्टेयर केस का, वो 9 इंच का है जिस पर अपना पैर रखेंगे। और जो राइजर मिल जाता है वो 7 इंच का, इसमें राइजर डिज़ाइन किया है। तो यहाँ से होते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों, अभी आ जाते हैं यहाँ से सीढ़ी से आगे। यहाँ पे तो हमको एक बेडरूम भी मिल जाता है। इसमें बेडरूम का जो साइज़ है यहाँ पे 10 फीट बाई 11 फीट 2 इंच का, यहाँ पे एक बेडरूम, बड़ा बेडरूम मिल जाता है इस प्लॉट के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे 3 फीट का, 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा डिजाइन किया, जिससे हम अपने बेडरूम में जाएंगे। और इस वाली दीवार पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक विंडो है खिड़की 3 फीट बाई 4 फीट का। तो जैसे हमको यहाँ पे 3 फीट की हाइट मिल जाएगी, जैसे हम यहाँ पे सीढ़ी से जब चढ़ के आएंगे तो 3 फीट की जब हमको यहाँ पे हाइट मिल जाएगी, तो यहाँ पे 3 फीट की हाइट के बाद से हम अपना सीढ़ी, ये अपना विंडो लगा देंगे 3 फीट बाई 4 फीट का। तो जिससे जो रोशनी है वो बाहर की तरफ से, इधर की तरफ से, वो हमारे बेडरूम के अंदर आएगी। अभी बात कर लेते हैं वॉल साइजेस की और कॉलम पोजीशन की। तो इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट 5 इंच की दीवारें इसमें डिजाइन कर रखी हैं, और जो कि हमारे घर के अंदर की और बाहर की जो दीवारें हैं इसमें 5 इंच की डिजाइन कर रखी हैं। और ये जो आप लाल कलर में देख रहे हैं ये सारे कॉलम्स हैं। कॉलम्स का जो साइज है इसमें 9 इंच बाई 9 इंच के, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं इस लास्ट वाली दीवार पे और 2 कॉलम हमारे सेंटर वाली दीवार पे डिजाइन कर रखा है, और 2 ही कॉलम यहाँ पे भी डिजाइन कर रखा है। ये सारे कॉलम एक दूसरे के लाइन एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इस प्लॉट में मैंने, इस प्लान में मैंने 10 कॉलम इसमें डिजाइन किए हैं। 5 प्लेसेस पे 10 कॉलम डिजाइन किए हैं। सब सारे कॉलम पे ऐसे बीम्स आ जाएगी, और बीम का जो हमको साइज मिल जाएगा यहाँ पे, बीम का जो साइज डिजाइन किया है एज पर द डिज़ाइन, आप 9 इंच बाई इस पे 9 इंच बाई 12 इंच के यहाँ पे बीम आप इसमें डाल सकते हैं इस वाले प्लान में। तो यहाँ पे हमारी 9 इंच बाई 12 इंच की बीम आ जाएगी। वो ये जो मैं साइजेस बता रहा हूँ वो फर्स्ट फ्लोर तक के लिए है। तो दोस्तों ये आपको प्लान अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे हाउस प्लान से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।